नमस्कार, मैं हूं अमित जायसवाल और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। हमारे साथ हमारे सीनियर ज्ञानेश्वर मौजूद हैं और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो पटना के नए एसएसपी उपेंद्र शर्मा के ऊपर, इनके सामने किस तरह के चैलेंजेस हो गए ये हम जानेंगे अपने सीनियर से। देखिए, चैलेंजेस के पहले हम बात कर लें कि उपेंद्र शर्मा पटना आए कैसे। देखिए अमित, सच ये है कि जो मौजूदा दौर के आईपीएस अधिकारी हैं या आ रहे हैं, उनके भीतर काम कम आराम अधिक देखने की प्रवृत्ति मिल रही है। अब मुश्किल से वैसे अधिकारी मिलते हैं जिन्हें हम फील्ड में दौड़ते हुए देखते हैं। तो उपेंद्र शर्मा को जो जिम्मेवारी मिली है वो उनके काम के बूते मिली है, और जो परसेप्शन उनकी पुलिसिंग को लेकर बना, मुझे ये भी पता है कि कई लोग दौर में, तो वैसे भी आप यदि देखेंगे तो बिहार में चंद ही ऐसे आईपीएस अधिकारी बचे हैं जिनका खौफ अपराधियों में दिखता है। और उपेंद्र शर्मा पटना आएंगे यह बात पिछले कई महीने से चल रही थी, क्योंकि जो लोग थे पटना के सीनियर एसपी के लिए जिन्हें माना जा रहा था, उनमें सबसे पहला नाम उपेंद्र शर्मा का ही चलता था। जो बिल्कुल पिछले साल जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी उसमें भी ये चर्चा चल रही थी कि उपेंद्र शर्मा ही आएंगे। हाँ, तो अभी कुछ दिन पहले एक विवाद हो गया था मोतिहारी में, भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल को लेकर एक एसडीपीओ ने उनके खिलाफ टिप्पणी कर दी थी और केस को थ्रू कर दिया था। तब लग रहा था कि भाजपा वाले पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने स्टैंड अपना क्लियर रखा और उनकी पुलिसिंग को पुरस्कार दिया। आपको यह भी बता दें कि जल जीवन हरियाली यात्रा पर पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोतिहारी भी गए थे, और इस यात्रा के दौरान उन्होंने उपेंद्र शर्मा, जो तब आज उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है पटना के सीनियर एसपी का, तब मोतिहारी के एसपी थे, तब नीतीश कुमार ने स्वयं उपेंद्र शर्मा से अकेले में, बिल्कुल अकेले में, पूरा अमला नहीं था, करीब 15 मिनटों तक बातचीत की थी। और उस बातचीत के बाद ही यह करीब करीब तय हो गया था कि उपेंद्र शर्मा ही पटना के नए एसएसपी होंगे। हालांकि कई और नाम चल रहे थे, बाबूराम का नाम चल रहा था, नवीन चंद्र झा का चल रहा था, राजीव मिश्रा का चल रहा था, लेकिन नीतीश कुमार थोड़ी सीनियरिटी को भी जगह देते हैं। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। जो आप चैलेंजेस की बात कर रहे थे अमित, आप लंबे समय से आप क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मेरा तो कई दशक हो गया है। देखिए, पटना में उपेंद्र शर्मा आए हैं तो उन्हें गरिमा मल्लिक नहीं मनु महाराज को रिप्लेस करना होगा। ऐसा कैसे? देखिए, है क्या कि आपने भी अनुभव किया होगा या इधर के दिनों में जो पुलिस के पास ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो ताकतें होती हैं, जिन्हें आप यदि ठेठ शब्दों में कहें मुखबिर, मुखबिर कम पड़ गए थे। और वैसे भी जो आजकल के आईपीएस आ रहे हैं, उन्हें ह्यूमन इंटेलिजेंस में जो पुलिस की बुनियाद होती है, यदि आपके पास मुखबिर नहीं होंगे, यदि आप अंडरबल्ब में छेद नहीं किए होंगे, तो आपको अपराध रोकने में सफलता नहीं मिलेगी। आजकल का जो दौर है और जो ये नए आईपीएस आ रहे हैं वो सिर्फ मोबाइल सर्विलांस पर भरोसा कर लेते हैं, टेक्निकली ज़्यादा काम करते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि इनका जो काम है, जो आप मोबाइल सर्विलांस या टेक्निकल जो बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, ये अपराध होने के बाद शुरू होता है। और जब ह्यूमन इंटेलिजेंस आपके पास होते हैं, मुखबिर होते हैं, अंडरवर्ल्ड में छेद होता है, गैंग में भेद होता है, तो आपके पास अपराध की प्लानिंग की खबर आती है, किसी भी घटना को पहले ही रोक लिया जाता है। हाँ, तो जो कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, इसे रोकने वाले, इसे थामने वाले अब आईपीएस कम दिखते हैं। उपेंद्र शर्मा हैं और उपेंद्र शर्मा पटना के सिटी एसपी बेस्ट भी रहे हैं। तो वैसे भी आपको हम बताएं, लेकिन जिस समय उपेंद्र शर्मा पटना सिटी एसपी वेस्ट थे और अब में, तब से लेकर अब तक में देखिए बड़ा फर्क है। वही मैं बात कर रहा था कि देखिए, आईपीएस अपराधियों के भीतर खौफ पैदा कब होता है? मैंने कोई 3 दशक गुजारे हैं क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए अमित, अब आपको शायद ही ऐसा कोई आईपीएस मिलता हो जो अपराधियों के घर खुद चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, रात को खुद छापेमारी करता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसकी गाड़ी का खौफ दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, मैंने भी जो अनुभव किया है तो कई ऐसे, मतलब जो अपना एरिया है उनका,
उनका, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो या कोई भी, तो वो अपने एरिया में भी नहीं घूमते दिखते हैं, देखिए से भी वाकिफ नहीं देखिए। एक बुनियादी अंतर समझिए ना, अब लोग पीओ पर तो जरूर चले जाते हैं, कोई बड़ी घटना होती है तो प्लेस ऑफ अक्रेंस पर, घटना स्थल जिसे कहते हैं, वहां तो ये जरूर दिखाई पड़ जाते हैं, थाने में जरूर दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन उन इलाकों में जो सक्रिय अपराधी हैं या बाहर से आकर जो रह रहे हैं, मैं पटना के एक एसएसपी का वाक्य बताता हूं। मैं दिल्ली में था रात को 2 बजे, तब मैं फील्ड रिपोर्टर था आपकी तरह, उन्होंने 2 बजे रात में मुझे फ़ोन किया और एक ऐसे अपराधी के बारे में वे तहकीकात कर रहे थे जिसका कोई वास्ता पटना से नहीं था। तो उस आईपीएस ने पटना में कई सारे अपराधियों को, बड़े अपराधियों को गंगा लाभ कराया, मुठभेड़ में मारा, नाम नहीं लूंगा। तो मैंने पूछा कि जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं पटना में उसकी एक्टिविटी तो है नहीं? तो उन्होंने कहा देखो ज्ञानेश्वर, ऐसा है कि पटना वाले बड़े अपराधी, मंझले अपराधी गंगा लाभ कर चुके हैं, तो अब पटना में आकर कौन रह रहा है उस पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि आप दिल्ली पुलिस में आप किसी अंडरबल के डॉन का नाम सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, क्योंकि वहाँ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पर, अपराध को रोकने पर बहुत सारा जोर होता है, जो बिहार में घटता चला गया है और इसके कारण अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। तो उपेंद्र शर्मा से हमें यह उम्मीद करनी चाहिए, जैसे मनु महाराज खुद निकल जाते थे, बिल्कुल खुद दौड़ते थे, तो हमें यह उम्मीद करनी चाहिए उपेंद्र शर्मा की, मुझे भी कुछ मनु महाराज की तरह है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि उपेंद्र शर्मा भी फील्ड में दिखेंगे, और जब ये फील्ड में दिखेंगे तो जो इनके माथत हैं, सबॉर्डिनेट हैं, वो भी काम करते दिखेंगे। वैसे अच्छी बात रही, ठीक है आज पटना में कुछ कुछ हो भी गया, कि उपेंद्र शर्मा ने जैसे ही पदभार संभाला कुछ ही मिनटों के लिए वे दफ्तर में बैठे, इसके बाद वे फुलवारी शरीफ के लिए निकल गए। देखिए फुलवारी शरीफ 21 दिसंबर को ही वहाँ पे 2 गुटों में झड़प हो गई थी, माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया था वहाँ पर। देखिए ये चुनावी साल है अमित, चुनावी साल को निपटना भी एक बड़ा चैलेंज होता है, बिल्कुल, और चुनावी साल में आप पर सत्ता पक्ष का जोर भी होता है, विपक्ष का आरोप भी होता है, और इन दोनों के बीच कैसे संतुलन बनाते हैं यह भी देखा जाना आवश्यक होता है। और जिस फुलवारी शरीफ के आप उपद्रव की बात कर रहे हैं, तो देखिए चुनावी साल है और वोट के लिए ये सारे कुछ हो सकते हैं, क्योंकि देश में हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स चल रही है, बिल्कुल समझे, HMQ जिसको कहते हैं, HMQ पर हिंदू मुस्लिम क्वेश्चंस पर मोबिलाइजेशन का काम चल रहा है, तो ये सारे सवाल पैदा होंगे और इसको लेकर उपेंद्र शर्मा को चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन अब जब मैंने फुलवारी शरीफ की बात करी, तो देखिए पटना का सबसे बड़ा चैलेंज एक बहुत छोटा सा थाना नौबतपुर है, बिल्कुल अभी हम उसी पे आ रहे थे कि पटना का जो पश्चिमी इलाका है जी, जैसे अब गरिमा मलिक रही, एक साल उन्होंने अपना टर्म पूरा किया, एक साल करीब करीब हो चुका था उनका, लेकिन इस एक साल में पटना का पश्चिमी जो इलाका है वो काफ़ी आपराधिक गतिविधियों से भरा रहा, नौबतपुर हो, पालीगंज हो, हमेशा कुछ ना कुछ आपराधिक वारदातें वहाँ होती रही हैं, तो इसे रोक पाना, देखिए नौबतपुर को थामना होगा, नौबतपुर, दानापुर, ये जो इलाके हैं, और मैंने कहा CTSP बेस्ट ये रहे, कुछ तजुर्बा तुमको रहा होगा, तो ठीक है समय हो गया है, और यह तब संभव होगा। और सिर्फ नौबतपुर की बात नहीं करें, उपेंद्र शर्मा से हमें यह उम्मीद करनी चाहिए, यदि मैं पुराने दौर की बात, जिस जमाने को आप लोग जंगल राज कहते हैं, उस जमाने की भी मैं यदि बात करूँ, जैसे पटना में कुछ पुलिस अधिकारी थे, CTSP हुआ करते थे, डॉक्टर अजय कुमार थे, RS भट्टी थे, तो एक पुलिसिंग थी कि जब भी संवेदन का मौसम आता था, होली आ रहा है जिसमें संवेदनशीलता बढ़ जाती है, चुनाव आ रहा है संवेदनशीलता बढ़ जाती है, दिवाली आ रही है, रामनवमी आ रही है, इस तरीके से जितने भी हैं, मुहर्रम आ रहा है, तो उसके पहले अपराधियों की नकेल इतनी कस दी जाती थी, इतनी कस दी जाती थी, डॉक्टर अजय और RS भट्टी तो मुठभेड़ के लिए जाने जाते थे, कि वो चीज़ें तो अब है, खैर वो संभव भी नहीं है, वो संभव भी नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यदि सीनियर SP CTSP यदि खुद फील्ड में निकलेंगे,
तो अपराधियों की नकेल कसी जा सकती है। और जो अपराधी, चाहे वो ठानक की मिलीभगत से, चाहे जिसकी मिलीभगत से, आराम फरमा रहे हैं, देखिए वो जमाना लौटाना होगा। मैं मुठभेड़ की बात नहीं करता हूँ, लेकिन वो जमाना लौटाना होगा जिसमें थानेदारों के पास लाल डायरी हो, और लाल डायरी में जो क्रिमिनल्स हों उनके नाम दर्ज हो। गुंडा रजिस्टर है? नहीं, गुंडा रजिस्टर का तो कोई हिसाब किताब नहीं रह गया है, जिसे जो यह तय हो कि ये लाल डायरी में जिनके जिनके नाम हैं वे दिखने नहीं चाहिए, और जेल में भी वो सुरक्षित नहीं रहने चाहिए। जेल में सुरक्षित रहने का मतलब ये है कि जेल में वे इतने सुरक्षित ना हो जाएं कि जेल से ही अपराध संचालित करें। लेकिन ये सब तो तब पॉसिबल है जब उपेंद्र शर्मा का कमान जो है वो अपने नीचे के अफसरों पर, चाहे वो थाना लेवल पर ही क्यों ना हो, वो कंट्रोल कर सकें पूरी तरह से। ये वो कसना तो होगा, वो कसना ये भी इनके सामने एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि हाल के दिनों में देखा गया है कि जो सबॉर्डिनेट हैं वो अपने सीनियर की बातों को, उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। देखिए ऐसा है ना, आप ये पटना की बात कर रहे हैं चूँकि पॉलिटिकल राजधानी भी है, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ थानेदार भी राजनीतिक पोस्टिंग लेकर के आते हैं। बिल्कुल, इस तरह की तो देखिए कई बार ऐसा देखा गया कि जिसे एसएसपी ने सस्पेंड किया हो, उनको उस कार्रवाई के लिए आईजी को लिखा हो, और वो वही आदमी फिर चंद दिनों के बाद ही फिर थानेदार बन करके आ जाता है, ऊपर से पैरवी करा लेता है, तो इस तरह की भी चीज़ें तो होती हैं। देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि यदि एसएसपी तो छोड़ दीजिए, सिटी एसपी भी यदि अपने दम पर स्टैंड कर जाए तो थानेदार भाग नहीं सकते हैं। मैंने लालू यादव के राजपाट में, शास्त्री नगर में एक थानेदार थे, यादव जी ही थे, और उन्हें लगता था कि सीधे एक अन्य मार्ग से उनका लिंक है। तो एक कोई मामला था जिसमें संवेदनशील मामला था, अपराध था, और अपराध का उद्भेदन नहीं हो रहा था, तो सिटी एसपी ने कहा कि यादव जी जो थानेदार थे, यदि 24 घंटे के भीतर ये काम नहीं हुआ तो आप सीधे उल्टे टांग दिए जाएंगे। और सिटी एसपी के दफ्तर में मैंने उस यादव जी थानेदार को थरथराते देखा था। देखिए ये आपकी हनक कितनी है। और मैंने कहा, उपेंद्र शर्मा को यह बात भी समझ दी होगी ना कि उनका एक परसेप्शन बना कि वे अपराध रोकते हैं, अपराध थामते हैं, इसलिए पटना की कमान मिली है। और सीनियर मतलब जब आप एसपी रैंक में होते हैं तो सीनियर एसपी पटना की पोस्टिंग सबसे प्राइम पोस्टिंग है, अहम मानी जाती है। तो यहाँ इसके बाद तो आपको आगे जाना है, तो ये देखना होगा कि क्या आप करते हैं। दूसरी बात देखिए, अपराध बिहार में शराबबंदी है, शराब पकड़ो, ये सिलसिला चल रहा होता है, शराब पकड़ो और अपराध रोको, इसके बीच आप पुलिसिंग की प्रायोरिटी कैसे तय करते हैं यह भी देखने वाली बात होगी। और इससे बड़ी बात यह है अमित, जिस पर पटना के नए सीनियर एसपी उपेंद्र शर्मा को सोचना होगा, ये शराब तो बंद हो गया, लेकिन इधर के दिनों में पटना में चरस, स्मैक, अफीम, इन सब की तस्करी बहुत बड़ी है, और ये जो है ना, ये मोहल्ले मोहल्ले में, मेरे एक जानने वाले बता रहे थे कि पटना में जितना पुर है, चाहे उसैदपुर हो, चाहे फलनापुर हो, बहादुरपुर हो, चाहे जितना है वहाँ, दानापुर हो, वहाँ मोहल्ले मोहल्ले में इनके नेटवर्क का फैलाव हो गया है। ब्राउन शुगर और गांजा बहुत धरल, ब्राउन शुगर और गांजा, और ये अच्छे घरों के बच्चों को अपना शिकार बना, हाट ट्रैप कर रहे हैं। पहले उनको देखते हैं कौन से बच्चे हैं जो स्कूटी से चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं, तो इसे रोक पा रहे, क्योंकि इससे जो पटना का नेक्स्ट जनरेशन है ना वो बर्बाद हो रहा है। और इसके साथ ही महिला सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा, सीनियर एसपी की आज ही इस पर घटना भी हो, हाँ, आप बता रहे थे भी थोड़ी देर पहले, हाँ, कृष्णा घाट, वहीं पर जीडीएस हॉस्टल है पटना विश्वविद्यालय का, तो महिला सुरक्षा, तो आपको कुछ ना कुछ इंजमात करने होंगे। और मैं हरगिज नहीं मानता हूँ कि सीनियर एसपी चाह ले तो कोई थानेदार अपनी हद पार कर सकता है। जो मोतिहारी में आपराधिक गतिविधि है और वो पटना में, और दोनों में कितना अंतर है? नहीं, अंतर तो है ना, देखिए जिला और
राज्य की राजधानी, दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। लेकिन ये सिटी एसपी बेस्ट भी रहे, इसका ख्याल रखिए, ठीक है ना। तो और कुछ दिनों तक शायद ट्रैफिक एसपी भी थे ना, शायद कुछ दिनों तक ट्रैफिक एसपी के इंचार्ज में भी थे, तो ये रहे हैं। तो इसलिए, और ये मूल रूप से हैं बिहार के ही, तो इसलिए बिहार का मिजाज पता है। और 2008 से 2020 आ गए हैं 12 साल। दूसरा चैलेंज ये भी है कि पटना का पूर्वी पश्चिमी इलाका के साथ साथ जो पूर्वी इलाका है, खास करके पटना सिटी सराउंडिंग जो एरिया है, वहाँ हमेशा लगातार बड़े बड़े मौकों पर वहाँ आपराधिक घटनाएं रुक नहीं पा रही है, वहाँ भी लगातार। देखिए, ये तो मैंने कहा ही नहीं, ये आप तब तक नहीं रोक पाएंगे जब तक आप अंडरवर्ल्ड में छेद न कर दें, गैंग में भेद नहीं कर दें, और सिर्फ मोबाइल के सर्विलांस पर भरोसा न कर ह्यूमन इंटेलिजेंस पैदा न कर दें। आपने सिर्फ पटना पूर्वी की बात करी, आपने रूरल की बात क्यों छोड़ दी? जब आप बात करते हैं बाहर से लेकर आगे चले जाइए, बढ़िया जहाँ सीमा खत्म होती है, हाथीदह से उसके आगे भी है, रामपुर डुमरा होगा और ये सब होगा, तो उस इलाके में तो केवल 47 47 47 है। अब तो लिपि सिंह भी चली गई बाढ़ में, हाँ सबसे बड़ा केस है, हाँ सबसे संवेदनशील मामला है, वहाँ टकराव होता रहता है और हर गिरोह के पास एक AK-47 है, तो उसे भी रोकने और थामने का काम एक चैलेंज होगा। तो इस देखना है कैसा करते हैं हम, तो सभी खड़े उतरेंगे उपेंद्र शर्मा। देखिए, उम्मीद करना चाहिए कि, और सबों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम और आप जब शांत हैं तभी पटना सुरक्षित है। पटना की सुरक्षा, पटना की हिफाजत में सबों को सहयोग करना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपराध बिल्कुल बंद हो जाएगा, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, देखिए अपराध को रोकने की कोशिश कीजिए। अपराध होने पर दौड़ना अलग चीज़ है, अपराध रोकने की कोशिश करेंगे तो सफलता अधिक मिलेगी। क्या लगता है कुछ नए उपयोग करने चाहिए या नए प्रयोग करने की जरूरत है? नए प्रयोग तो यही है कि अपराधियों के पीछे पुलिस टूट पड़े, जो दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, पटना को अगर शांत करना है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है, अपराध पर लगाम लगाना है, तो पुलिस को अपने इंटेलिजेंस पर इंटेलिजेंस को बढ़ाना होगा। उस पर उस किस तरीके से मुखबिरों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं, उनके पास इनपुट कितना आ पाता है, इस पर जोर देना होगा। कड़ी चुनौती होगी पटना के नए SSP के सामने, और उस चुनौती पर वो कितना खड़े उतरते हैं ये वक्त के साथ हम आगे आपको बताते रहेंगे, अपडेट कराते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें लाइव सिटीज़। धन्यवाद। धन्यवाद।